है गाइस, वेलकम टू जीटेक एजुकेशन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम एक वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो बहुत ज़रूरी है। हमारे एक फ्रेंड है जिनका एक यूट्यूब चैनल है, उस पर रीयूज़ कंटेंट का इशू आया है, जिसकी वजह से उनका मोनेटाइज चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। और उन्होंने फिर से अप्लाई किया, कुछ आया तो 90 डेज का वो टाइम दिया है, उसके बाद ही आप रीअप्लाई कर सकते। सो यही रीयूज़ कंटेंट के बारे में हम पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो क्या चार पांच चीज़ें हैं जो यूट्यूब चेक करता है जब हम अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में डालते हैं, और उस रीयूज़ कंटेंट को से कैसे बचा जा सकता है कि रीयूज़ कंटेंट का इशू नहीं आए और हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और अपने दोस्तों में और ऐसे जिनके जो भी YouTube चलाते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये reuse content का उनके साथ इश्यू नहीं आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो क्या पांच चीज़ें हैं जो YouTube चेक करता है जब हम रिव्यू में डालते हैं। रिव्यू हम तब डाल सकते हैं जब 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है और 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं विद इन 365 डेज में, तब हम अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में डालते हैं। तो जब रिव्यू में जब हमारा चैनल जाता है, जब यूट्यूब के तरफ से उसे चेक किया जाता है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि चैनल का थीम क्या है, मीन्स चैनल किस कैटेगरी का है, टेक्नोलॉजी का है, कॉमेडी का है। आपके चैनल पे जाके उस वीडियो को वो देखते हैं जिसपे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं, वो कौन सा वीडियो है और उसका मेन सोर्स, वो व्यूज़ आने का मेन सोर्स क्या है। क्योंकि आजकल क्या होता है, आर्टिफिशियली और बहुत से ऐसे वेबसाइट्स आ गए हैं और एप्लीकेशंस आ गए जिसके थ्रू फेक व्यूज़ वगैरह लोग अपने वीडियोस पर लेके आते हैं। तो ऐसा यूट्यूब का इतना नहीं है कि हर आपके चैनल का हर वीडियो को वो चेक करे। करोड़ों वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जिस पर व्यू आया है आपके जिस वीडियो पर, उसको चेक करते हैं, और उसका सोर्स की ट्रैफिक का सोर्स क्या है उस वीडियो का, वो चेक करके फिर वो आगे। सबसे ज़्यादा व्यू आने के बाद वो चेक करते हैं कि सबसे न्यू आपने जो वीडियो अपलोड किया है वो कैसा है, वो उसी थीम का है या वो किस तरह का वीडियो है। वो न्यू वीडियो पर चेक करते हैं, उसका परफॉर्मेंस देखते हैं, उसका सोर्स देखते हैं, उसके उस पर ट्रैफिक आने का सोर्स देखते हैं, कहाँ से इतना ट्रैफिक आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितने व्यूज आ रहे हैं। बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम, वो वॉच टाइम चेक करते हैं कि जो आपके चैनल पर वॉच टाइम आ रहा है वो उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है, यूट्यूब है, या लोग जैसे अपनी वीडियोज जब यूट्यूब पर पब्लिश करते हैं तो उसको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते हैं ताकि लोग वहाँ से व्यूज़ दें और उसको वीडियो को देखे और वॉच टाइम उनको मिले। तो वही चेक करते हैं सोर्स ऑफ वॉच टाइम उनका क्या होता है, चौथा ये पॉइंट होता है। और पांचवा वो जाकर चेक करते हैं वीडियो का मेटा डेटा, जिसको बोलते हैं कि वीडियो का थंबनेल, उसका टाइटल वगैरह, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आप किस तरह से डाल रहे हैं। टैग्स इसमें नहीं काउंट होता है, ये सारी चीज़ें उसमें काउंट करके वो देखते हैं और आपका चैनल को रिव्यू करके मोनेटाइज कर देते हैं। रीयूज्ड ये होता है कि आप YouTube से कोई वीडियो उठाया और उसको फिर से अपने चैनल पे पब्लिश कर रहे हैं, वो बेसिकली रीयूज्ड हो गया। आप किसी का वीडियो उठा के आप अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जब तक आप अपना कमेंट्री ऐड नहीं करते हैं, ऐसा लाइक मैं ये वीडियो, अगर कोई मेरे ऊपर कोई वीडियो बनाता है कि जीटेक एजुकेशन का ये परफॉर्मेंस या कुछ भी, तो मेरी सोर्स के लिए वो मेरी वीडियोस को वहाँ पे शो करेगा, तभी ऑडियंस को और क्लियरली समझ में आएगा। बट अगर उस पर वो कमेंट्री नहीं करता, डायरेक्टली मेरी वीडियोज़ को डाउनलोड करके अपने चैनल पर डालता है, तो उसको रीयूज़ कंटेंट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जब हम वीडियोज़ को पब्लिश करते हैं कॉन्टेंट आईडी बनता है और यूट्यूब का एल्गोरिथम उसे कैच कर लेता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत फास्ट है, उसे कैच कर लेता है कि इसने इस चैनल से उठा के यहाँ पर डाला हुआ है, तो वो रीयूज कंटेंट का वहाँ इशू आ जाता है। तो लेकिन एक और इशू होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एक सेलिब्रिटी कहीं एयरपोर्ट पे आता है और लोग वहाँ पर जाते, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले जाते हैं और एक ही एंगल से, एक ही कैमरे से या कई कैमरे से शूट करते जब उनको, तो वो एक ही वीडियो अलग अलग चैनल पर शो होती है, तो YouTube को नहीं पता है कि अलग अलग शो हुआ है, सेम वीडियो रहता है, तो वहाँ पर रीयूज़ कंटेंट का सबसे ज़्यादा इशू होता है। उस रीयूज़ कंटेंट जो इशू आ रहा है उसके रेजोल्यूशन के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जो जिसका भी चैनल है उसको कमेंट्री करे, उसके उस वीडियो को सोर्स में डाल सकता है दिखाने के लिए ऑडियंस को, बस उसमें आपको अपना वॉइस लगाना पड़ेगा, आपकी अपनी कमेंट्री उसमें डालनी पड़ेगी, तब जाके वो वीडियो उस वीडियो पर रीयूज कंटेंट का इशू नहीं आएगा। सेम अगर आप कोई एक्टिंग करते हैं, वीडियो मतलब डांस करते हैं वगैरह वगैरह करते हैं कुछ एक्टिविटी, अगर उस पर कोई गाना मतलब सॉन्ग या म्यूज़िक कुछ ऐड करते हैं, वो कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि उसका एक अलग सिस्टम होता है, उसका कंटेंट आईडी अलग होता है,
और वो आपको वहाँ पर रेवेन्यू शेयर करना पड़ जाएगा। मोस्टली वो चैनल रीयूज कंटेंट में आते हैं तो वो मोनेटाइज होते ही नहीं है, रेयर केस में मोनेटाइज होते हैं। बट अगर आप किसी की वीडियोस यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसा रीयूज से बचना है तो ऑलवेज आप ट्राई कीजिए कि वीडियोस में अपने वॉइस लगाइए। ऐसा नहीं कि आप लोगो या एफेक्ट्स लगा देते हैं या छोटा बड़ा कर देते हैं, क्रॉप कर देते तो नहीं आएगा, आ जाएगा, आपको इश्यू आ जाएगा, रीयूज कंटेंट का आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है कमेंट्री कीजिए, ईच एंड एवरी वीडियोस में आपकी कमेंट्री होनी चाहिए, इस तरह आप रीयूज कंटेंट से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, आगे ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और आपको कुछ सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।